कोई भी गेम या मूवी अगर लंबे समय तक डेवलपमेंट में रहती है तो उसके काफी रिजल्ट्स हो सकते हैं। या तो उसकी हाइप खत्म हो जाती है या फिर उसकी क्वालिटी इतनी फाइन ट्यून की जाती है कि वो बिना किसी अर्ली हाइप के भी फेमस हो जाता है। एक महीने पहले हमने उन गेम्स के बारे में बात की थी जिनके डेवलप होने में काफी ज्यादा समय लगा, और आज उसी वीडियो का पार्ट टू है जिसमें कुछ और ऐसे वीडियो गेम्स के बारे में बात करेंगे जिनका डेवलपमेंट से लेकर रिलीज तक का सफर काफी लंबा रहा और जिसके कारण गेमर्स ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि लॉन्च होंगे भी कभी। और कुछ ऐसे भी गेम्स के बारे में बताऊंगा जो अनाउंस तो हो गए हैं पर अभी भी डेवलपमेंट या फिर टेस्टिंग फेज में ही है और उनके रिलीज डेट का कोई क्लियर कट इन्फो नहीं है। माफिया 2 अपने फ्रेंचाइज में काफी बड़ा बदलाव लेकर आया था। इसमें हमें माफिया 1 के कंपैरिजन में गेम प्ले और ग्राफिक्स में काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिला। स्टोरी का ओपिनियन सब्जेक्टिव हो सकता है बट इस गेम की सारी चीजें लेकर 2010 में फाइनल स्टेट में रिलीज होने में 10 साल लग गए। ऐसा टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण हुआ। 2003 में स्क्रिप्टिंग का काम शुरू होने के बाद इसके डेवलपमेंट को 2004 में किक स्टार्ट कर दिया गया। ओरिजिनली इस गेम को थर्ड पार्टी लाइसेंस इंजन पर बिना एक्सेस समय लिए डेवलप करने का प्लान था जिसे PS2 और एक्सबॉक्स के लिए रिलीज किया जाना था, पर थोड़े समय बाद इंजन डेवलपमेंट स्टूडियो ही बंद हो गया। इसके बाद डेवलपर इल्यूजन सॉफ्टवर्क्स ने अपना खुद का इंजन बनाया जिसे इल्यूजन ही नाम दिया गया, और ये LS3D इंजन का सक्सेसर था जो कि माफिया 1 में यूज हुआ था। नए इंजन के डेवलपमेंट टाइम, PS3 और Xbox 360 नेक्स्ट जन कंसोल्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन और गेम प्ले से रिलेटेड एलिमेंट्स को कवर करने में 6 साल लग गए, और इसे ओरिजिनल 2009 की रिलीज डेट को डिले करके अगस्त 2010 में रिलीज किया गया। रॉकस्टार गेम्स का एल.ए. नोयर बेसिकली एक डिटेक्टिव बेस्ड रोल प्लेइंग गेम है जिसका गेम प्ले किसी भी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी नहीं है। इस गेम में हमें अपने खुद के इन्वेस्टिगेटिव और ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज करना होता है क्राइम सॉल्व करने के लिए और स्टोरी में प्रोग्रेस करना होता है। इंटरोगेशन के समय हमें अपने सामने वाले के एक्सप्रेशन को बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा ये समझने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच। इसी फेशियल मोशन स्कैन टेक्नोलॉजी को अपने गेम में प्रिसाइसली इंप्लीमेंट करने में इसमें 32 कैमराज यूज हुए थे, उन्हें 7 साल का डेवलपमेंट टाइम लग गया क्योंकि इसके डेवलपमेंट 2004 में ही स्टार्ट हो गई थी। इसी वजह से कम $50 मिलियन का बजट भी लगा, पर 2011 में रिलीज के बाद ये एक बड़ा हिट रहा। डार्क फॉल ऑनलाइन एक MMORPG गेम है जो फैंटेसी सेटिंग में बेस्ड है। इसमें हमें अलग अलग फैक्शंस चूज करने को मिलते हैं। हर एक फैक्शन के पास अपने यूनिक कैपेबिलिटीज, स्किल्स और टेरिटरीज होती हैं, और प्लेयर्स अपने हिसाब से चूजन फैक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं। गेम को नॉर्वे में बेस्ड रेजर बैक स्टूडियो बना रही थी जिसकी शुरुआत में बस 5 लोग काम किया करते थे। बाद में इसे ग्रीस की कंपनी एवेंचुराइन SA के साथ मर्ज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद डेवलपमेंट में काफी समय लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें एक पब्लिशर ढूंढने में काफी समय लग रहा था जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल सके। इस पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी सारे रिसोर्स और फंड्स लगते हैं, इसलिए छोटी डेवलपमेंट कंपनीज थर्ड पार्टी पब्लिशर को अपने गेम्स पिच करती हैं ताकि उनका अपना ध्यान सिर्फ डेवलपमेंट पर ही रहे। 2001 में डेवलपमेंट शुरू होने के बाद फाइनली 2009 में गेम को रिलीज किया गया। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना तो किसी और को हो या ना हो लेकिन आपको अपने खुद के प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अगर आप अपनी स्किल्स, टैलेंट या फिर प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा कैसे करेगा। ये एक इंडिविजुअल से लेकर बड़ी $multi-million कंपनी तक के लिए रेलेवेंट है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1993 में जापानीज गेम स्टूडियो निंटेंडो EAD ने ब्रिटिश कंपनी एर्गोनॉट सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर अपने फेमस रेल शूटर गेम स्टार फॉक्स 2 पर काम शुरू किया। ये स्पेसिफिकली SNES के लिए था और 1995 तक ये गेम 95% तक कंप्लीट हो चुका था। बट प्रॉब्लम भाई जब डेवलपर्स ने देखा कि कैसे उनके राइवल्स प्लेस्टेशन और सेगा बेटर 3D ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने गेम के साथ, उन्हें डर था कि SNES कंसोल्स की कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाएगा, ना ही 16-bit 3D ग्राफिक्स वाली स्टार फॉक्स 2 को ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे खरीदना। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली वेरी साइलेंटली इस गेम के डेवलपमेंट को बंद कर दिया गया, लेकिन 2017 में सुपर NES क्लासिक एडिशन कंसोल के लॉन्च के साथ स्टार फॉक्स 2 को भी इनबिल्ट गेम्स में इंक्लूड किया गया। ऐसे में इस गेम को फाइनली मिला एक डिजर्विंग रिलीज 24 साल बाद। स्टार सिटीजन एक ऐसा गेम है जिसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में काउंट कर सकते हैं। एक स्पेस में बेस्ड GTA ऑनलाइन की तरह भी देखा जा सकता है जिसमें अपने कस्टम करेक्टर के साथ प्लैनेट्स और मून्स पर नेविगेट करना और ट्रैवल करना होगा, और वो भी कोई बैरन लैंड्स नहीं है बल्कि वहाँ पर यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सिटीज, स्काईस्क्रेपर्स और डिस्टिंक्टिव पॉपुलेशन होती है। इसके साथ ही मैसिव स्पेसशिप्स भी हैं जिनके इंटीरियर्स को आप खुलकर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसकी डेवलपमेंट 2010 में क्रिस रॉबर्ट्स ने स्टार्ट की थी और उनके विजन में एक सिंगल प्लेयर होने वाला था एंड उसी के साथ एक मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम मोड भी होता। शुरुआत में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ढूंढी बाकी कंपनीज से, फिर जब बाद में क्लाउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट ट्रेंड में चला 2012 में उन्होंने एक स्टूडियो फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया क्लाउड इंपीरियम गेम्स, जिसके बाद के एक स्टार्टर जो कि एक ऑनलाइन क्लाउड फंडिंग साइट है उस पर अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और ऑडियंस से डोनेशंस की रिक्वेस्ट की। 2 साल के अंदर इस गेम ने $50 मिलियन से भी ज्यादा का क्राउड फंड कलेक्ट किया, जिसके बाद इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट क्लाउड फंडेड प्रोजेक्ट के नाम से जगह बना ली। बट इस गेम को अभी तक अपने फुल फॉर्म में रिलीज नहीं किया गया था जो एक्चुअली 2014 के लिए सेट किया गया था, बट इनफैक्ट
फैक्ट इन्होंने 2013 में अनाउंस किया कि ये मॉड्यूलर डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। इसमें बेसिकली गेम के पार्ट्स टाइम टू टाइम रिलीज किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ फुल पैकेज। इसलिए इस गेम में अभी भी सारे फीचर्स नहीं है जो डेवलपर्स ने प्लान करे हैं, बट इनफैक्ट कुछ मोड्स हैं जिन्हें अभी तक लाया गया है, जैसे अरीना कमांडर जिसमें हम रेसिंग और शिप कॉम्बैट ट्राई कर सकते हैं, फिर स्टार मरीन जिसमें हम फर्स्ट पर्सन शूटर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन इस गेम की मेन हाईलाइट है इसका MMORPG परसिस्टेंट यूनिवर्स और सिंगल प्लेयर मोड स्क्वाड्रन 42। डेवलपमेंट के शुरुआत में यही दोनों मोड्स डेवलपर्स के मेन फोकस थे। स्क्वाड्रन 42 तो अभी भी डेवलपमेंट में है, बट परसिस्टेंट यूनिवर्स को मॉड्यूलर वे में रिलीज किया जा रहा है जिसमें हम बहुत सारे स्टार सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और रियल टाइम में प्लेयर वर्सेस प्लेयर या फिर प्लेयर वर्सेस एनिमी बैटल्स में पार्ट भी ले सकते हैं। वेल, कहने को तो ये गेम पार्शियली रेडी है, बट फुल रिलीज के लिए अभी भी इससे काफी समय चाहिए, तो 12 साल से भी ऊपर हो चुका है। तो ये देखना एक्साइटिंग होगा कि अभी तक $500 मिलियन का अमाउंट रेज करने के बाद ये प्रोजेक्ट फाइनली कब रिलीज होता है और अपनी फाइनल फॉर्म में हमें क्या ऑफर करता है। देखा जाए तो डेवलपमेंट हेल से निकलने के बाद भी गेम को एक्चुअल चैलेंज फेस करना पड़ता है। ऑडियंस के बीच जगह बनाने के लिए उनको इंश्योर करना पड़ता है कि उनका फाइनल प्रोडक्ट अब एक कंप्लीट वीडियो गेम है जिसमें कम से कम इश्यूज हैं और प्लेयर उसे कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। जल्दबाजी में रिलीज किए हुए गेम्स में हमने देखा है कि कितनी सारी परेशानियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो सारी हाइप बर्बाद हो जाती है। इसलिए लंबे समय का डेवलपमेंट टाइम इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डेवलपर्स को समय चाहिए होता है एक अच्छा गेम बनाने के लिए और वो सब फीचर्स देने के लिए जो कि उन्होंने फैन से प्रॉमिस करे हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। लाइक करना नहीं भूलना, दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल भी सब्सक्राइब करना ताकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर मिलता रहे आपको ऐसे ही गेमिंग कंटेंट।